त्योहारों का सीजन आते आते शहर के मुख्य बाजारों के नजदीक बने वेंडिंग जोन्स के दुकानदारों में तनातनी शुरू हो गई है। शास्त्री मार्केट सेक्टर 22 के प्रधान ने दुकानदारों के साथ शास्त्री मार्केट की एंट्री पर एक सभा का आयोजन किया। उन्होंने नगर निगम एनफोर्समेंट विंग पर एक के बाद एक कई बड़े आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि वो पिछले 3 महीने से निगम आयुक्त को शिकायत कर रहे हैं, बावजूद इसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके साथ ही उन्होंने मनीमाजरा में हुए हादसे का जिक्र करते हुए कहा कि इन्फोर्समेंट विंग के इंस्पेक्टर पर वेंडर्स को भड़काने के आरोप लगाए। ऐसे ही एक मामले में मनीमाजरा में एक इंस्पेक्टर के उकसाने पर वेंडर ने दूसरे वेंडर पर जानलेवा हमला कर उसको मौत के घाट उतार दिया। वहीं शास्त्री मार्केट के प्रधान का कहना है कि उनके पास पर्याप्त दस्तावेज हैं जो इस बात का सबूत है कि नगर निगम का इन्फोर्समेंट विंग और उसकी टाउन वेंडिंग कमेटी अपना दायित्व पूरा नहीं कर पा रही। फिलहाल मुकेश गोपाल ने इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। पता है मेरी मुहिम है कि जो टाउन वेंडिंग एक्ट है, जो स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट है, वो कानून के हिसाब से उसका पालन हो। हमारी लड़ाई किसी भी गरीब भाई के साथ नहीं है, मैं सारे गरीब भाइयों के साथ हूँ। जिनके लिए ये वेंडर एक्ट बना है उसको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, जबकि उसकी बजाय कुछ अफसर और कुछ टाउन वेंडिंग कमेटी के मेंबर मिलकर उसे अपनी निजी दुकान बना के चला रहे हैं, जिसके खिलाफ मैं मुहिम लड़ रहा हूँ। और मैं कहता हूँ कि जो गवर्नमेंट की नॉर्म्स है आप उनको फॉलो करो। उसके लिए मैं पर्सनली ईशा कंबोज जी को मिला, उनको रिक्वेस्ट की कि मैडम जो आपका एक्ट कहता है आप एक्ट के हिसाब से इन्हें बिठाओ, हमें कोई इतराज नहीं है, हम गरीब भाइयों के साथ हैं, हम भी वहीं से उठ से आए हैं, लेकिन इसको लाले की दुकान मत बनाओ। उन्होंने एक दिन के लिए रिएक्शन हुआ और आधे 2 घंटे बाद फिर वैसे का वैसा। उसके बाद मैंने दोबारा उनको रिटर्न कंप्लेंट दी, हमारे काउंसलर साहब ने कंप्लेंट दी, जिस पे किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। हार के मैंने 4 दिन पहले अपने होम सेक्रेटरी साहब को कंप्लेंट डाली और उनको सारी जो प्रेजेंट स्थिति थी उसकी वीडियो बना के दी और उनको रिटर्न में लिख के बताया भी आज शहर की ये सिचुएशन है और उसके लिए ये लोग जिम्मेवार हैं, उनको अपनी जो कार्य प्रणाली है उसको ठीक करने के लिए कहा जाए और अगर नहीं करते तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और उसका इम्पैक्ट क्या आया कि कल ललित त्यागी जी यहाँ अपनी टीम को लेके हमारी मार्केट में आके हमारे दुकानदारों को धमका रहे हैं कि अपने प्रधान को समझा लो वो कंप्लेंटे ना करे। और उन्होंने रीजन क्या दिया भी टाउन वेंडर्स ने आपकी कंप्लेंट की है तो अब हम आए हैं। क्या त्यागी जी के दिमाग में ये गलतफहमी है कि जो मनी मात्रा में करवाए वो 22 में भी करवाएंगे, या हम दोनों को लड़वाना चाहते हैं और मर्डर करवाने इन्होंने, क्या कारण है इसका? और जब हम 4 कंप्लेंटे कर रहे हैं उसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं है और वो कहते हैं कि उन्होंने 1 कंप्लेंट की तो ये हमारी दुकानें बंद करवाने आ गए। मैं आपके माध्यम से त्यागी जी को और इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सीनियर ऑफिसर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज के बाद हमारी मार्केट का कोई चालान काटा तो पहले सारा 22 सेक्टर साफ करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर टाउन वेंडरों के लिए रिलैक्सेशन है तो हम अपनी दुकानें बंद करके यहाँ फड़ी लगाएंगे। बिल्कुल जी, आपने इनको सुना। जनरल सेक्रेटरी बोल रहा हूँ जी मैं। किस चीज का जनरल सेक्रेटरी? मैं एमसी का भी हूँ, सब इंस्पेक्टर भी हूँ। अच्छा जी, ये तिरपाले 2018 से लगी हुई है जी। अब मेरे को 1-1.5 महीना हुआ, मैंने रिवेन्यू भी बढ़ाया, चलान भी करे और कोई ये नहीं कह सकता ललित चवनी लेता है। मेरे आते ही मीडिया में बयानबाजी होगी, मेरे आते ही कंप्लेंट हो रही है। पहले ना तिरपाल दिख रही थी ना एनक्रोचमेंट दिख रही थी इनको। किसने लगाया आपके ऊपर आरोप कि आप ऐसे लेते हो? चलो मैं वो नहीं करा, आप बोल रहे हो ना। एक मिनट, मैं ये नहीं करा, आते ही मेरे कंप्लेंट शुरू होगी 1-1.5 महीने से आते ही। उससे पहले ना कोई मीडिया में बयान था, ये तिरपाले भी लगी हुई थी, सब कुछ लगा हुआ था। मेरे आने के बाद क्यों हुई, उससे पहले क्यों नहीं हुई, इसकी इंक्वायरी कराई जाए। बस ये तय करा। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।